गुड मॉर्निंग ओके आज के सेशन में हम बात करेंगे झारखंड के इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में कृषि के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था तो अब सिंचाई की क्या सुविधाएं हैं यहाँ कितना एरिया में जो है यहाँ पे सिंचाई हो रही है क्या साधन है सिंचाई के उन चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे ठीक है सो so, स्टार्ट करते हैं देखो कुछ चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं जो कल के क्लास में हुआ था कल्टीवेबल लैंड कितना है थर्टी एट ,00 लाख हेक्टेयर जो है टोटल यहां का कृषि योग्य भूमि है झारखंड का ठीक है अगर हम बात करें टोटल लैंड अंडर कल्टीवेशन तो मैंने बताया था कि इसमें से अभी फिलहाल 18 लाख ,00 हेक्टेयर के आसपास के एरिया में जो है यहाँ पे कृषि की जा रही है ठीक है 38 लाख ,00 हेक्टेयर तो है जो कि कृषि के कार्य में लिया जा सकता है या कल्टीवेबल है कृषि योग्य भूमि है उसमें से फिलहाल अभी कृषि कार्य जिसमें किया जा रहा है वो एटीन लाख ,00 हेक्टेयर है अगर हम टोटल इरिगेटेड जो लैंड है उसकी बात करें तो देखो यहाँ पर दिक्कत यह है कि अलग अलग जो है डेटा प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा बिल्कुल क्लियरली जो है इसको मेंशन नहीं किया गया है और कई बार जो है कृषि मंत्रालय या जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो कुछ और कहती है सॉरी कृषि मंत्रालय कुछ और है कहती है इरीगेशन डिपार्टमेंट कुछ और कहती है जो ऑफिशियल मतलब कि ऑफिसर्स हैं वो लोग तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है लेकिन ज्यादातर बुक्स वगैरह में ज्यादातर सोर्सेस में जो पता चला है उसके अकॉर्डिंग इस 18 लाख हेक्टेयर में से 8.7 लाख हेक्टेयर के आसपास का क्षेत्र जो है सिंचित क्षेत्र है जहां पे सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है ठीक है इरिगेटेड पार्ट ऑफ टोटल कल्टिवेबल लैंड ऑफ झारखंड जो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें से तेईस प्रतिशत जो क्षेत्र है वो सिंचित क्षेत्र है अगर हम इस टोटल कल्टिवेबल लैंड की बात करें अड़तीस लाख हेक्टेयर जो है टोटल कल्टिवेबल लैंड है इसमें से ट्वेंटी थ्री परसेंट जो है क्या है सिंचित क्षेत्र है इरिगेटेड पार्ट है टोटल कल्टिवेबल लैंड की हम बात कर रहे हैं अड़तीस लाख में से ट्वेंटी थ्री परसेंट हिस्सा जो है आपका क्या है इरिगेटेड पार्ट है सिंचित क्षेत्र है ये कुछ डेटा बार बार रिपीट हुआ है अलग अलग झारखंड के एग्जाम्स में तो इसको ध्यान में रखना है कई बार ये पूछ देता है अब एग्जैक्ट डेटा याद ना हो लेकिन थोड़ा बहुत इसमें से आपको ध्यान रखना है कि क्या सि सिचुएशन है यहाँ का इरिगेशन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम इरिगेटेड बाई सरफेस वाटर ऑफ टोटल इरीगेटेड लैंड के अब ये जो टोटल इरीगेटेड लैंड है एट लाख हेक्टेयर इसमें से फिफ्टी ऐसा है जो कि सतही जल से सतही जल मतलब कि सरफेस वाटर से जो है यहाँ पे सिंचित किया जा रहा है अब सतही जल में बेसिकली जो है आपका आ, बोलना चाहिए कि वर्षा का पानी या जो आ, जितने भी रिजर्व वायरस वगैरह होता है जलाशय वगैरह होता है उनसे है भूमिगत जल से भी सिंचाई की जाती है जो ट्यूबवेल वगैरह है इससे जो है सिंचाई की जाती है वो भूमिगत वाले अंडर अंडरग्राउंड वाटर के कैटेगरी में आते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर से टोटल फोर्टी वन हिस्सा जो है इसमें अंडरग्राउंड वाटर से जो है इरिगेशन होता है तो ये दो डेटा है याद रखना है सतही जल से या सरफेस वाटर से 58 परसेंट और अंडरग्राउंड वाटर से 41 परसेंट के क्षेत्र में जो है सिंचाई की जाती है ठीक है तो याद रखना है टोटल कल्टिवेबल लैंड अड़तीस लाख हेक्टेयर उसमें से एटीन लाख हेक्टेयर जो की कृषि अभी किया जा रहा है टोटल इरिगेटेड लैंड की बात करें जहां पे सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है अब इसमें ध्यान रखना है सिंचाई की सुविधा मतलब वर्षा का जो जल होता है या जो रेनफॉल होता है उसके इतर उसके अलग हम बात कर रहे हैं जैसे ट्यूबवेल वगैरह हो गया ठीक है नहर वगैरह हो गया केनाल्स वगैरह के थ्रू जो सिंचाई की जाती है इन चीजों की हम बात कर रहे हैं अदरवाइज पूरे एरिया में जो है इरिगेशन तो होता ही है वर्षा के जल से लेकिन उसके अलावा अगर हम रबी फसल वगैरह कर रहे हैं जायद फसल कर रहे हैं जिस टाइम में वर्षा नहीं हो रही है उस एरिया में क्या सिंचाई की सुविधा है उसको कंसिडर किया जाता है इरीगेशन की अगर हम बात करें तो ठीक है तो इस हिसाब से 23 परसेंट जो है कल्टीवेबल लैंड जो है झारखंड का भी 23 परसेंट जो है वो है क्या बोलना चाहिए कि सिंचित भूमि है अच्छा कुछ बुक में पुराने बुक्स में 12 से 15 परसेंट भी दिया रहता है और मैंने वही बात बोली कि जो सिंचाई मंत्रालय है वो 23 परसेंट के आसपास या 25 परसेंट के आसपास बोलता है और मतलब कई जो अलग विरोध विपक्ष के जो नेता है वो इसको कम बताते हैं तो ये है थोड़ा सा लेकिन ध्यान रखना है कि जो ऑफिशियल डेटा है उसके हिसाब से 23 परसेंट बोला जाता है ठीक है पुराने बुक्स वगैरह देखोगे या दो चार साल पुराने बुक भी देखोगे तो उसमें 13 परसेंट पंद्रह परसेंट ऐसा कुछ डेटा दिया रहेगा अगर हम हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इरिगेशन इन टोटल कल्टीवेबल लैंड बोले तो ये जो पलामू का एरिया है जहां लगभग 24 परसेंट हिस्से में जो है इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है तो पलामू जो है सबसे ज्यादा इरिगेटेड जो लैंड है पलामू के क्षेत्र में पड़ता है तो ये भी एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है सिंचाई सुविधा उपलब्ध है तो पलामू क्षेत्र में जो है ज्यादातर हिस्सा जो है सिंचाई के लिए उपलब्ध है या सिंचित क्षेत्र माना जाता है इरिगेशन फैसिलिटीज इन झारखंड तो झारखंड में क्या क्या फैसिलिटी है अगर हम इरिगेशन की बात करें तो देखो कुएं से यहां पर थर्टी परसेंट हिस्से में जो है सिंचाई की जाती है झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां कुएं से जो है सिंचाई का परसेंटेज बहुत ज्यादा है अगर बाकी राज्यों से अगर हम तुलना करें तो और इसमें भी अगर किस हिस्से में सबसे ज्यादा है तो याद रखना है इसमें जो गिरिडीह और डुमका वाला क्षेत्र है इन क्षेत्रों में ज्यादातर कुएं से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है गुमला भी है डुमका भी है और गिरिडीह भी है अगर हम बात करें पौन से मतलब कि आ, किसी भी तरीके से जो वो होता है तालाब वगैरह होता है उससे तो 19% परसेंट है तालाब से या जलाशयों से जो है सिंचाई की जाती है स्पेशली यहाँ जो देवघर का क्षेत्र है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्पेशली यूज किया जाता है वो देवघर का क्षेत्र है ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें केनाल्स की तो नहरों से जो सिंचाई की जाती है उसमें सिंह भूम वाला एरिया और सराय केला वाला एरिया ट्यूबवेल नल कुपों से अगर आप सिंचाई की बात करें तो टोटल एट परसेंट है और इसमें जो है लोहार डग्गा जो क्षेत्र है डिस्ट्रिक्ट है इस एरिया में जो है सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है इसके अलावा जो अन्य है अन्य सुविधाओं में जो है पच्चीस परसेंट प्रतिशत जो है सिंचाई दूसरे सुविधाओं से की जाती है लेकिन मेजरली जो है कुएं से थर्टी परसेंट तालाबों से नाइनटीन परसेंट नहरों से एटीन परसेंट और आठ परसेंट है जो कि ट्यूबवेल से यहाँ पे सिंचाई की जाती है तो ये परसेंटेज एग्जाम्स वगैरह में पूछता है तो इसको ध्यान रखना है ये चीज खास तौर पे ध्यान रखना है बाई चांस आपसे पूछ दे कि झारखंड में सबसे ज्यादा किस सिंचाई फैसिलिटीज का यूज किया जाता है तो कुओं का यूज किया जाता है कुआं सबसे ज्यादा थर्टी परसेंट है उसके बाद में आता है तालाब और नहरों का तालाब और नहर के बीच में एक परसेंट का मतलब की डिफरेंस है बाकी तालाब में नाइनटीन और नहरों से एटीन परसेंट की जो है सिंचाई की जाती है अब ये परसेंट को मतलब की बोलना चाहिए कि कुएं से अः ना होके ज्यादातर नहर से होना चाहिए जो आधुनिक जितने भी यहाँ पर बहुत सारे डैम्स वगैरह हैं इतने सारे डैम हैं यहाँ पे फिर भी यहाँ पर जो केनाल से नहर है वो के आसपास में है और ये थर्टी परसेंट है तो इसको ध्यान में रखना है अदर में भी जो है ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है अदर सुविधाओं के थ्रू जो है यहाँ पे सिंचाई होती है ये जो पूरा जो डेटा है वो यहाँ का जो वाटर कंजर्वेशन जो डिपार्टमेंट है या वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट कहा जाता है जल संसाधन विभाग झारखंड गवर्नमेंट का उसका डेटा है ये ठीक है इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छा ये दो बार हो गया है इसको चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ये एग्जाम में पूछ देता है कि फलाना प्रोजेक्ट कहाँ पे है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये चीजें अक्सर एग्जाम में पूछता है तो सारा का सारा तो नहीं लेकिन जितने भी यहाँ के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ अभी फिलहाल आठ मेजर प्रोजेक्ट है बृहद सिंचाई परियोजना है इसके अलावा जो मीडियम जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो लगभग नौ के आस में है और ऐसे ही हजारों की संख्या में जो है आ, मतलब लघु परियोजनाएं हैं माइनर प्रोजेक्ट्स हैं तो अब उतने सारे को तो याद नहीं रखा जा सकता लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जो फेमस है उनको जो है थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है ठीक है इसमें जैसे कि यहाँ पर इरिगेशन प्रोजेक्ट में जो मेजर प्रोजेक्ट है आठ उसको मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया हूं अब देखो मेजर प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि ऐसी सिंचाई परियोजना जिसमें अगर वो टेन हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र को सिंचाई प्रोवाइड कर रहा है ठीक है अगर इरिगेशन दस हजार हेक्टेयर एरिया से ज्यादा के एरिया को जो है वो सिंचाई कर रहा है उस परियोजना को उस प्रोजेक्ट को हम बृहद परियोजना या फिर मेजर प्रोजेक्ट्स कहा जाता है तो यहां पर जो है मेजर प्रोजेक्ट में टोटल आठ प्रोजेक्ट अभी वर्तमान में संचालित है जिसमें से एक है अभी स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा परियोजना तो स्वर्ण रेखा परियोजना सिंहभूम के क्षेत्र में है ये फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के टाइम में जो है ये बनाया गया था ठीक है पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसको बनाया गया था जो स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट है उसको यह कई बार एग्जाम में पूछता है कि कौन से फाइव ईयर प्लान के तहत इसको बनाया गया था तो, तो याद रखना है फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के अंडर में ठीक है अगर हम बात करें दूसरे परियोजना जिसका नाम है कुनार बैराज परियोजना तो कोनार बैराज परियोजना हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है सिमिलरली ये भी फिफ्थ फाइव ईयर में प्लान में बनाया गया था अगर हम बात करें थर्ड का तो यह है नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट जो कि गढ़ुआ डिस्ट्रिक्ट में है और ये भी सिमिलरली फिफ्थ ईयर फिफ्थ ईयर फाइव फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में जो है ये बनाया गया था फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के अंडर में बनाया गया था सेवंथ फाइव ईयर प्लान में जो है यहां पर तीन प्लान बनाए गए प्लांट प्रोजेक्ट बनाए गए थे एक तो औरजा रिजर्व प्रोजेक्ट है जो कि पलामू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है जो कि साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और एक है पुनासी रिजर्व प्रोजेक्ट जो कि देवघर में पड़ता है तो ये तीनों का तीनों जो है सेवंथ फाइव ईयर प्लान में जो है बनाया गया था ठीक है अजय बैराज जो कि देवघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और एक है कांची मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट ठीक है तो ये फाइव ईयर प्लान का कुछ ऐसा बोलता नहीं है लेकिन याद रखना है अजय बैराज प्रोजेक्ट और कांची मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट चलो तो ये आठ यहाँ का बृहद परियोजनाएं हैं इसमें से क्वेश्चन बनता है ये आठों का नाम आपको याद रखना है डिस्ट्रिक्ट याद रखना है और जो फाइव ईयर और सेवेंथ ईयर करके पूछता है फाइव ईयर प्लान में तो उसको अलग से याद रखना है रेखा कोनार और कोयल स्वर्ण कोनार कोयल ये तीनों जो है फाइव फिफ्थ फाइव ईयर में और इसके बाद में औरंजा गुमानी पुनासी ये तीनों सात सेवंथ फाइव ईयर में जो है बनाया गया था ठीक है तो ये आठों मेजर प्रोजेक्ट है जहां पे दस हजार हेक्टेयर से ज्यादा के एरिया में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराता है ये और इन्हीं मतलब आठ वृहत परियोजनाओं से ज्यादातर हिस्से में जो है झारखंड के सिंचाई का कार्य किया जाता है इसके अलावा ढेर सारे यहां पे जो है बोलना चाहिए कि जो मध्यम परियोजना है वो भी है तो मध्यम प्रोजेक्ट में जो है जनरली क्या होता है कि 2000 हेक्टेयर से लेकर के टेन थाउजेंड हेक्टेयर तक का एरिया में अगर इरिगेशन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं मीडियम प्रोजेक्ट या फिर मध्यम परियोजना इसको कहा जाता है इसमें जो है यहां पर आ, कुछ परियोजनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछता है जिसमें कंस जलाशय परियोजना है जो कि गुमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कंस जलाशय परियोजना ठीक है ये 1979 में ये इसको प्रोजेक्ट को बनाया गया था सोनाऊ रिजर्वायर प्रोजेक्ट ये भी एग्जाम में आया हुआ है यह सिंहभूम क्षेत्र में है वेस्ट सिंहभूम में और ये जो है 1982 में जो है इसको बनाया गया था केशो रिजर्वायर प्रोजेक्ट कोडरमा तो केशो रिजर्वायर प्रोजेक्ट जो है यह भी हजारीबाग सॉरी कोडरमा क्षेत्र में है और यह भी उन्नीस में ही बनाया गया था इसके अलावा जो है सलाइया जलाशय परियोजना बोला जाता है या सलाइया रिजर्व वायर प्रोजेक्ट बोला जाता है तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपके हजारीबाग में है और ये भी 1982 में ही बनाया गया था इसके अलावा राम रेखा रिजर्व वायर प्रोजेक्ट तो राम रेखा रिजर्व वायर प्रोजेक्ट जो है सिमडेगा में है और ये नाइनटीन में इसको बनाया गया था ठीक है इसके अलावा भैरवा जलाशय परियोजना या भैरवा रिजर्व प्रोजेक्ट कहा जाता है अब ये जो भैरवा रिजर्व प्रोजेक्ट है ये रामगढ़ में है और इसको 1984 में इसको बनाया गया ठीक <coughs> है इसके अलावा जो है पंचखेरो पंचखेरो रिजर्व प्रोजेक्ट जो है गिरिडीह में है और ये जो पंचखेरो है ये भी 1984 में ही बनाया गया था सुरंगी जलाशय परियोजना रांची में है तो सुरंगी जलाशय परियोजना जो है हालांकि ये सिंहभूम क्षेत्र में भी जो है इसका वो है मतलब सिंचित एरिया सिंचाई इसका किया जाता है इससे किया जाता है 1987 में जो है ये बनाया गया था अपर संख रिजर्व प्रोजेक्ट तो अपर संख रिजर्व प्रोजेक्ट भी 1987 में गुमला में बनाया गया तो देखो अब मेजर में लगभग बहुत सारे यहाँ पे परियोजना है आठ सौ सौ के आसपास में लेकिन उतने सारे आपको याद नहीं रख सकते तो जो इम्पोर्टेंट है जो फेमस है जहां से क्वेश्चन बनता है इस सब से झारखंड पीएससी में और एसएससी में आपका बहुत सारे क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी तो याद रखना है जनरली पूछता है कि ये प्रोजेक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो वो खास तौर पे याद रखना है कौन से ईयर में बनाया है ये भी पूछ सकता है लेकिन स्पेशली डिस्ट्रिक्ट वाला क्षेत्र ज्यादातर पूछता है ठीक है इसके अलावा लघु सिंचाई परियोजना है अब लघु सिंचाई परियोजना में क्या होता है कि ये तो हो गया मीडियम जहां से 2000 से 10000 हेक्टेयर एरिया कर, सिंचाई करता है मान लो कि 2000 हेक्टेयर से कम के एरिया को अगर सिंचित सिंचाई की व्यवस्था दिया जा रहा है उस प्रोजेक्ट के द्वारा तो उसको हम बोलते हैं माइनर सिंचाई परियोजना या लघु सिंचाई परियोजना उसको बोला जाता है ठीक है तो वो तो ढेर सारे हैं हजारों में है तो उसमें से ज्यादातर चीजें जो है याद रखने की जरूरत है नहीं जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैंने यहाँ पे बताया है ठीक है ये चीजें ध्यान रखना है कि कौन कौन सा मेजर और मीडियम में है आगे हम बात करते हैं कुछ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं अब रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि ये जनरली जो है नदी के घाटियों में ये बनाया जाता है उस क्षेत्र के आसपास के जो घाटी एरिया होता है वहां पे बनाया जाता है जनरली जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मल्टीपर्पज होते हैं मल्टीपर्पज का मतलब ये है कि उस प्रोजेक्ट से सिंचाई से भी काम किया जाता है वहां से थर्मल पावर प्लांट को जो वो है वाटर रिसोर्सेस है वो प्रोवाइड किया जाता है इसके अलावा वहाँ हाइडल प्रोजेक्ट्स लगे होते हैं जल विद्युत परियोजनाएं लगे होते हैं इसके अलावा उन पानी से जो रिजर्वायर होता है वहां से जो है सिंचाई का काम भी किया जाता है तो इसमें ढेर सारे जो है बोलना चाहिए कि पर्पस होता है इसीलिए इसको मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट भी कहा जाता है तो रिवर वै, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में झारखंड में कौन कौन से प्रोजेक्ट स्पेशली आपको याद रखना है उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है वहां से तो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो तो है आपका दामोदर घाटी परियोजना जिसको हम दामोदर वैली मल्टर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं अब ये आजादी के बाद में बनाया गया भारत का बोलना चाहिए कि सबसे बड़ी परियोजना है सबसे फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और एक तरह से बोलना चाहिए कि भारत में आजादी के बाद बनाए गए जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह थे उसमें सबसे बड़ा नाम जो है दामोदर वैली प्रोजेक्ट का नाम भी आता है ठीक है अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 7 जुलाई 1948 में मतलब लगभग लगभग आज से चौहत्तर साल पहले जो है इसको बनाया गया था अब देखो दामोदर वैली मल्टर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एक पब्लिक सेक्टर का जो है ये वो है प्रोजेक्ट है अगर इंडस्ट्री की बात करें तो ये एक तरह एनर्जी वाला इंडस्ट्री में आता है या यूटिलिटीज वाले इंडस्ट्री में आता है क्योंकि यहां से जो है दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है स्पेशली पावर प्रोजेक्ट के रूप में जो है ज्यादा फेमस है सिंचाई परियोजना के लिए भी यूज किया जाता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ट्रांसमिशन uh, करना डिस्ट्रीब्यूट करना इलेक्ट्रिसिटी uh, का जो प्रोडक्शन uh, है वो इसके अलावा सॉइल कंजर्वेशन और फ्लड मॉडरेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है मतलब कि फ्लड को कंट्रोल करने के लिए ठीक है अब जो है इसमें अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट चीजें है फर्स्ट प्रेसिडेंट तो जो दामोदर वैली परियोजना के जो पहले प्रेसिडेंट थे उनका नाम था एंड्रू डब्ल्यू लेंगस्टे ठीक है अंग्रेज अधिकारी थे उन्हीं को जो है पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था एंड्रू डब्लू लेंगस्टे भारत में अगर हम बात करें तो ये जो है ऑपरेशन इसके द्वारा अच्छा एक चीज याद रखना है ऑपरेशन किया जाता है इसका या जो आ, बोलना चाहिए कि संचालन जो है बाई दामोदर वैली कार्पोरेशन जो निगम है उसके द्वारा इसको डीवीसी कहने का मतलब यह है दामोदर वैली कॉरपोरेशन और कई बार जो है इसको ऐसे शॉर्टकट में भी बोला जाता है ठीक है दामोदर अच्छा दाघानी दामोदर घाटी निगम तो दामोदर घाटी निगम के द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता है इंडिया का पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ज्वाइंट प्रोजेक्ट है झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में मतलब कि वेस्ट बंगाल और शेयरिंग है झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में अगर हम बात करें आ, ये किस पे बेस्ड है तो उस टाइम में जो है बोलना चाहिए टेनेसी घाटी परियोजना अमेरिका में था उसी पे ये बेस्ड है उसी से इंस्पायर्ड है समझो अमेरिका के टेनेसी वैली प्रोजेक्ट से टेनेसी वैली प्रोजेक्ट से यह एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि बताइए दामोदर घाटी वैली प्रोजेक्ट दामोदर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस पर बेस्ड है तो टेनेसी वैली प्रोजेक्ट पर यह बेस्ड है ठीक है फर्स्ट पावर स्कीम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया है दामोदर रिवर ये एग्जाम में पूछता है कि कौन से नदी में जो है भारत के स्वतंत्रता के बाद बनाई गई पहला पावर स्कीम या योजना जो है बनाया गया था तो याद रखना है दामोदर नदी में ही स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला जो है पावर स्कीम या पावर परियोजना जो है लगाया गया था दामोदर नदी में तो वहीं से नाम है दामोदर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कुछ और चीजों के बारे में बात करें तो यहाँ पर हेड क्वार्टर है इसका कोलकाता में पश्चिम बंगाल कोलकाता में जो है इसका हेड क्वार्टर है पावर आउटपुट कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो देखो ये जो पावर जनरेशन करता है ये लगभग लगभग 1200 मेगावाट के आसपास में इसका पावर जनरेशन था इनिशियली पावर आउटपुट में ठीक है लेकिन अभी जो है इसका जो बोलना चाहिए कि पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है धीरे धीरे इंप्रूव हुआ है क्योंकि थर्मल पावर स्टेशन का अलग पावर जनरेशन होता है हाइड्रल पावर का अलग है तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ये जो है वो इनिशियली 1200 मेगावाट से जो है ये शुरू हुआ था अभी मैं थोड़ा सा और बता दूंगा कि इसमें कौन कितने पावर प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से हैं और उससे कितना जनरेशन हो रहा है इरिगेटेड एरिया अगर हम बात करें तो टोटल आठ लाख हेक्टेयर एरिया को ये सिंचाई प्रोवाइड करता है जिसमें पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों का क्षेत्र पड़ जाता है इस प्रोजेक्ट के अंदर में एक तो है डैम बैरियर डैम है ठीक है जिसको अवरोधक बांध कहा जाता है दूसरा इसमें आठ बड़े डैम बने हुए हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों को मिला दिया जाए तो ठीक है अगर हम बात करें पांच थर्मल पावर स्टेशन है और पांच जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है ठीक है है सॉरी ये ये जो आठ बिग डैम झारखंड के अंदर में जो डैम है वही है तो एक बैरियर डैम याद रखना है आठ बड़े बांध पांच थर्बन पावर स्टेशन और पांच हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है रिवर जो दामोदर घाटी परियोजना है उसके अंदर में ठीक है तो सारे जो चीजें मैंने बताया वो सब व, 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 वन लाइनर है फैक्चुअल चीजें हैं इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो देख लेना अच्छे से एक बार पीडीएफ में भी एक बार इसको रिवाइज कर लेना ताकि ये चीजें डेटा जो है याद रहे आपको अगर हम बात करें जो बिग डैम्स है आठ उसमें से जो पांच इंपॉर्टेंट डैम है उसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं पहला तो यहां पर है आपका तिलैया बांध जो बराकर नदी में है और ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में बनता है पड़ता है 1953 में जो है इसका वो किया गया था मतलब कि इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तिलैया बांध बराकर नदी कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में नाइनटीन में अगर हम कोनार डैम की बात करें तो ये भी बड़े डैम के अंदर में आता है कोनार नदी में है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और 1955 में जो है इसको बनाया गया था जैसे कि मैंने बताया कि फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के अंदर में ये सब चीजें बनाए गए थे इसके अलावा जो है मैथन जो है आ, बराकर रिवर में बना हुआ है धनबाद में नाइनटीन में पंचेत जो है दामोदर नदी में ही बना हुआ है अब देखो बराकर कोनार ये सब जो है दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं ठीक है तो वो सब उसी के अंडर में ही आता है जो बिग डैम है वो दामोदर नदी में दामोदर नदी में है और ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है 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 1959 में ये बनाया गया ठीक है, है? इसके अलावा तेनुघाट जो परियोजना है वो दामोदर नदी में है बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है 1978 में बनाया गया था इसको ठीक है अब जो तेनु घाट परियोजना है या सॉरी तेनूघाट जो बांध है ये सबसे बड़ा बांध है झारखंड का अब ये जो है एग्जाम में पूछता है कि झारखंड का सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो याद रखना है तेनुघाट जो बांध है वो सबसे बड़ा बांध है हालांकि इसके पहले जो है मैथान का जो बांध था वो सबसे बड़ा था लेकिन उसके बाद तेनुघाट जब से बना उसके बाद में तेनुघाट का जो बांध का जो साइज है वो बहुत बड़ा है ठीक है लगभग लगभग अ का जो है इसका मीटर का जो है इसका साइज है छ हजार चार सौ बयानवे मीटर इसका तो ये जो है झारखंड का सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट डैम ऑफ झारखंड कहा जाता है ठीक है बिगेस्ट और लार्जेस्ट अगर हम बात करें रिवर वैली प्रोजेक्ट में और जो आ, थर्मल पावर स्टेशन है तो थर्मल पावर स्टेशन यहां पर कितने थर्मल पावर स्टेशन है अब देखो यहां पर अः पश्चिम बंगाल के अंडर में भी जो है लगभग तीन पावर थर्मल पावर स्टेशन है वेस्ट बंगाल में और झारखंड में जो है आठ है जो कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट के अंदर में आते हैं सॉरी आठ बोलता हूं पांच है तो टोटल आठ जो है यहां परियोजना है परियोजना मतलब यहां पे थर्मल पावर स्टेशन बोल सकते हो तो कुल मिला के आठ थर्मल पावर स्टेशन है जिसमें से पांच जो है झारखंड में है एक है आपका बोकारो थर्मल पावर स्टेशन तो जो बोकारो थर्मल पावर स्टेशन है ये लगभग लगभग 500 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करता है अभी दूसरी अगर हम बात करें तो चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन है तो चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन भी फाइव मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है अब यहां से जो पानी जो दिया जाता है स्टीम के लिए वो यही दामोदर वैली परियोजना से ही आता है अगर हम बात करें मैथन पावर लिमिटेड तो मैथन पावर लिमिटेड भी झारखंड में है और ये जो है लगभग लगभग एक हजार पचास मेगावाट का जो है पावर जनरेशन यहां से होता है ठीक है एक है कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन तो कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन से भी एक हजार मेगावाट का जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है लास्ट है बीपीएससीएल तो देखो बीपीसीएल एक ज्वाइंट वेंचर है जिसमें आ, आपका जो दामोदर वैली परियोजना है वो तो है और बोकारो पावर स्टील प्लांट जो है आ, उसके साथ इसमें जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि ज्वाइंट वेंचर में ये बनाया गया है डीबीसी और बोकारो स्टील लिमिटेड के द्वारा ठीक है तो इसमें लिख लेना यहां पे ज्वाइंट वेंचर तो ज्वाइंट वेंचर किसका है एक तो है दामोदर वैली कॉरपोरेशन का प्लस बोकारो स्टील प्लांट तो इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर के थ्रू जो है बीपीएस जो है पावर प्लांट जनरेशन स्टेशन एक बनाया गया है जहां से लगभग 338 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है ठीक है तो बीपीएस पावर प्लांट भी एक जो है इसी के अंदर में आता है दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंदर में तो ये पांच जो है थर्मल पावर स्टेशन लगाए गए हैं दामोदर वैली प्रोजेक्ट के अंदर में ठीक है समझ में आ गया क्या क्या चीजें हैं अब इसमें अगर बाई चांस आपसे पूछे कहां पर है तो मैंने ऑलरेडी इसको लिस्ट आउट करवाया था लेकिन फिर भी यहां पे आप चाहो तो इसको लिख सकते हो जैसे यहां पर जो मैथन को कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है तो मैथन पावर जो लिमिटेड है ये है आपका धनबाद में okay. बोकारो थर्मल पावर स्टेशन बोकारो में ही है चंद्रपुरा थर्मल okay. पावर स्टेशन आपका चंद्रपुरा में कोडरमा कोडरमा में है और ये जो बीपीएससीएल है, है ये जो है आपका झारखंड okay. रांची के क्षेत्र में है ठीक है बोकारो के क्षेत्र में सॉरी <coughs> एक और था इसमें दुर्गापुर का और दुर्गापुर पावर थर्मल पावर स्टेशन भी बनाया गया था लेकिन दुर्गापुर पावर स्टेशन को जो है 2023 में उसको बंद कर दिया गया इसलिए मैं उसको यहाँ पे लिस्ट में नहीं रख रहा हूं क्योंकि जबरदस्ती का कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे झारखंड में छह टोटल थर्मल पावर स्टेशन है जिसमें दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन भी था लेकिन 2023 में उसको कंप्लीटली डीकमीशन कर दिया गया है इसलिए मैं उसको इस लिस्ट से हटा दिया हूं अदरवाइज अभी फिलहाल वर्तमान में पांच थर्मल पावर स्टेशन है इसके पहले छह पावर थर्मल पावर स्टेशन होते थे झारखंड के अंडर में ये वाला तो इसको मैं यहां से कैंसिल कर रहा हूं इसका रीजन ये है कि इसको दो में जो है डीकमीशन कर दिया गया है चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रो पावर स्टेशन तो यहाँ पर है हाइड्रो पावर स्टेशन की अगर हम बात करें तो एक है तिलैया हाइड्रो पावर स्टेशन अब तिलैया हाइड्रो पावर स्टेशन छोटा सा पावर स्टेशन है अगर हम हाइड्रल पावर प्लांट की बात करें तो अभी लगभग चार मेगावाट का ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है ये हाइड्रो पावर स्टेशन है ना मतलब की जल, जल विद्युत परियोजना है मैथन हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन भी है जहां से लगभग 63 मेगावाट का यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है इसके अलावा पंचेत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी है जहां से लगभग 80 मेगावाट का जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है तेनू घाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन जो कि बोलना चाहिए कि सबसे बड़ा पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है और कोनार जहां से झारखंड से अभी फिलहाल कोनार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन में जो है कोई खास यहाँ पे पावर जनरेशन नहीं हो रहा है चलो ठीक है नेक्स्ट जो है वो है दूसरा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रेखा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अब स्वर्ण रेखा नदी पे बना हुआ है जैसे दामोदर घाटी परियोजना जो है दामोदर नदी पे था और उसकी सहायक नदियों में तो उसी तरह से रेखा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रेखा नदी में है उसके अलावा उसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे खरकई नदी वगैरह हो गया उस पे ये बना हुआ है स्थापना की अगर हम बात करें उन्नीस सौ बयासी तिरासी में जब ये जो है आ, बोलना चाहिए कि ये नहीं आ रहा उन्नीस तिरासी में जो है फिफ्थ फाइव ईयर के प्लान के अंडर में ये बनाया गया था ठीक है इसको क्यों उसको कर फिफ्थ फाइव ईयर के तहत बनाया गया था ठीक है ठीक है मैंने गलती से वहां पे 1955-56 को जो है फिफ्थ बोल दिया था दरअसल वो जो है आपके सेकंड फाइव ईयर प्लान के अंदर में बनाया गया था ठीक है यहाँ पे फिफ्थ फाइव ईयर प्लान है जो कि 1982-83 में स्वर्ण रेखा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया ज्वाइंट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये झारखंड वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में जो है इसका प्रोजेक्ट का सिंचाई वगैरह या इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है तो ज्वाइंट प्रोजेक्ट है झारखंड वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का तीनों राज्य का इसमें जो है एक सहायक परियोजना है संयुक्त परियोजना है जिसमें झारखंड पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की हिस्सेदारी है अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये वर्ल्ड बैंक के सहायता से यह संचालित एक वर्ल्ड प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक इसमें जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि यहां से लोन वगैरह और यहाँ से आर्थिक रूप से सहायता इसको मिलता रहता है या उसी की वजह से जो है ये शुरू किया गया था 1982 -83 में इसके अंदर में हंड्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस इसके अंदर में ही आता है स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट के अंदर में जहां से 200 मेगावाट का जो है इलेक्ट्रिसिटी यहां से जनरेट किया जाता है ये एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस किसके अंडर में आता है तो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है स्वर्ण रेखा उसके अंदर में आता है हुनरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस जो कि हन्नरू जलाशय के पास में है ये ठीक है अगर हम बात करें स्वर्ण रेखा नदी पे इसमें कौन कौन से डैम बने हुए हैं तो एक तो चांदिल डैम है इसके अलावा गोलू गोलूडीह डैम है पालना डैम है और डिमना डैम है ये सब स्वर्ण रेखा नदी पे ही बना हुआ डैम है जो कि इसी प्रोजेक्ट में शामिल है इसके अलावा जो है खरकई नदी के अंदर में एक ईचा डैम है ईचा बांध कहा जाता है और एक गाजिया डैम है जो कि गाजिया बांध खरकई रिवर में है तो ये स्वर्ण रेखा नदी और खरकई रिवर में अलग अलग यहाँ पे डैम बनाए गए हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में तीसरा जो यहाँ का मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उसका नाम है मयूराक्षी प्रोजेक्ट तो मयूराक्षी प्रोजेक्ट भी संयुक्त एक तरह का परियोजना है झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है अंडर दिस प्रोजेक्ट कनाडा डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन मयूराक्षी रिवर अब ये जो कनाडा जो बांध बांध है कनाडा बांध कहा जाता है वो इसी के उसमें इसी में बनाया गया है मयूराक्षी रिवर में इसको मसानजोर बांध के नाम से भी जाना जाता है कनाडा डैम को जो है मसानजोर बांध भी कहा जाता है आ, ये मसांझोर डैम के नाम से इसको जाना जाता है तो ये बेसिकली जो मसांझोड़ डैम है वो ये अगर मैप में थोड़ा दिखे आपको तो यहाँ पे ये बनाया गया है ये लगभग 1955 के आस पास में जो है इस इस डैम को कंस्ट्रक्शन इसका कमीशन इसको किया गया था मरोक्ष नदी पे ठीक है <laughs> देखो अब इसमें जो है जब ये उस टाइम में गेहूं का सप्लाई होता था जो पैसे इकट्ठा किए गए थे क्योंकि यहां से कनाडा को जो है इंडिया में जो यूज किया जाता था तो बेसिकली जो है आ, बोलना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कनाडा में जो भी मटेरियल वहां भेजा जाता था उससे जो पैसे इकट्ठे हुए थे उसका यहां पे सपोर्ट मिला है इसी वजह से इसको कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है ठीक है <coughs> जो गेहूं वगैरह और अदर जो मटेरियल जो है कनाडा वगैरह से जो है इंडिया में यूज होता था उसको जो है पैसे इकट्ठे करके ये डैम बनाया गया था जिसकी वजह से इसका नाम कनाडा डैम बन गया है ठीक है उस टाइम में इसका जो कॉस्ट पड़ा था बोला जाता है कि सोलह करोड़ के आसपास में जो है इसको बनाया गया था चलो तो इतना चीजें खास तौर पे याद रखना है आपको नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है नॉर्दर्न कोयल प्रोजेक्ट जिसको हम उत्तरी कोयल प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं तो उत्तरी कोयल प्रोजेक्ट में जो है उन्नीस में ये बनाया गया था हालांकि उन्नीस में जो है इसको डिकन्टिन्यूट कर दिया गया था लेकिन वर्तमान में इसको फिर से चालू किया गया है इसलिए इसको आपको याद रखना है 1972 में बना उन्नीस में इसको डी कर दिया गया या डिसकंटिन्यू कर दिया गया रोक दिया गया इस प्रोजेक्ट को क्योंकि बांध का जो पानी था वो वहां के क्षेत्र को जो है डुबान एरिया में आ जाता था अंडर दिस प्रोजेक्ट इरिगेशन फैसिलिटी आर बींग प्रोवाइडेड टू पलामू एंड गढ़वा डिस्ट्रिक्ट पलामू और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में इसका सिंचाई किया जाता रहा है हमेशा से वर्तमान में इसको 5 जनवरी 2019 से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा इसका फिर से फाउंडेशन किया गया और फिर से इसकी आधारशिला रखी गई है इसको वापस शुरू किए जाने के लिए ठीक है तो इसलिए इसको याद रखना है कि वापस इसको शुरू किया गया है नॉर्दर्न कोयल प्रोजेक्ट को चलो आज के लिए इतना ही कल के क्लास में हम खनिज वगैरह है मिनरल्स वगैरह है और उसके अलावा जो ऊर्जा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पावर uh, जनरेशन कैसा हो रहा है यहाँ का ऊर्जा की स्थिति क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे खनिज और ऊर्जा वाला सेक्शन जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कल तो संडे है मंडे वाले क्लास में जो है इसको हम डिस्कस करेंगे तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही और हम मिलते हैं